जो दिखता है वो बिकता है, और इसका सबसे बड़ा नमूना अगर आपको देखना है तो आपको चाइनीज कंपनीज को देखना चाहिए। चाइना की एक कंपनी है एमजी, जो भारत में हेक्टर को लेकर आई और बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर लोकप्रियता हासिल की, और उसको देखते हुए अभी पीछे आपको दिख रही है GWM, जो कि भारत में एंटर हो रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ। इनके पास एक वाइड प्रोडक्ट रेंज है जो कि बहुत ही अलग दिख रही है, बहुत ही अपीलिंग है और ऑटो एक्सपो में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या है खास, आइए जानते हैं। तो मेरे साथ प्रियांशु हैं GWM से, और वो इस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो धोखा हो सकता है, लेकिन ये बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रियांशु, क्या है ये खास? सो ये GWM का सब ब्रांड है हावल। इसमें हावल में H9, ओके, इसका मॉडल का नाम H9 है। हावल इज अ ग्लोबल इंटेलिजेंट, ठीक है, एक्सपर्ट इन SUV मेकिंग, एंड GWM हैज 3 सब ब्रांड्स। ओके, हावल मेक्स ओनली SUVs, एंड द सेकंड सब ब्रांड इज It GWM EV, electronic vehicles, and the third sub brand is GWM pickups. Okay, okay. So if I'll talk about this headlight, yes, so sir. what's the special in it? So you got a star matrix, okay, headlamp which can go beyond 100 meters. Okay, 100 meters. Yes, sir, 100 meter. Great. And so I'll show you it from inside. Okay. तो आइए चलते हैं, प्रियांशु मुझे अंदर लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है, तो आइए चलते हैं। जैसे देख सकते हैं ये अभी बंद है। अभी बंद है, ओके। आप इसे खोलोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप देखेंगे। फिर से एक बार बंद करना प्रियांशु। तो आप इसे बंद करेंगे ऑटोमेटिकली अंदर। ये नीचे चला गया, और ये फिर खोलेंगे गेट, ये बाहर आ गया। अब बैठे अंदर, ओके। तो अंदर बैठे हैं, बताएंगे प्रियांशु, बट मैं आप लोगों को एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इंडिया में आएगी राइट हैंड होगा, लेकिन अभी आप फील ले सकते हो कि गाड़ियाँ कितनी स्पेशल हैं इस कंपनी की, और एकदम एक लग्जरी फील देती हैं। प्रियांशु, क्या खास है इसके अंदर इंटीरियर में? इंटीरियर में जो ये आपका लेदर है, ये नापा लेदर है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लेदर। ओके, एंड आपको सीट में सर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलता है इसमें, ठीक है। इस 8-way, सो 8-way एडजस्टेबल? नो सर, 3-level। थ्री लेवल, ओके। ये है सर, अब जो आपको सब बटन प्रेस करना है और सर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो ड्राइवर सीट पे आपको ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिलता है? ड्राइवर सीट पे भी नहीं, आपको उस सीट पे, उस सीट पे, दोनों सीट पे थर्ड रो पे मिलता है। मतलब सेकंड रो को छोड़ के आपको दोनों रो तो में, मतलब ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चाइनीज कंपनी कितनी स्पेशल है, क्योंकि जो आप सोचते थे, क्योंकि कंपनियां क्या बोलती थी कि आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड रो में भी ऐसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के और फीचर्स की। मैं चाहूंगा प्रियांशु आप उधर से आएं, तो मैं और अच्छे समझा पाऊंगा। तो जब तक प्रियांशु उधर से आते हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस पे हैवल लिखा हुआ है, हैवल। अगर बहुत सारे लोग इसे एन लगा के लिख रहे हैं, बहुत सारे हिंदी जर्नलिस्टों को मैंने देखा उस पे एन लिख दिया, हवन लिख दिया, तो ये हवन नहीं है, हवल है, हवल। एल पे ध्यान दो। और बहुत कुछ आपको इस पे क्रूज कंट्रोल वगैरह इसी पे मिल जाएगा आपको। इसके स्टीयरिंग व्हील पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो अभी स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये ऑटो गियर, हाँ, यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं हमें, yes, यहाँ पे। और इस पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल गए, लेकिन इस पे क्रूज कंट्रोल, यस यस यस, ये रहा क्रूज कंट्रोल, आपको इस पे मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा है। कितने इंच का है प्रियांशु? सर ये पूरा कुछ आइडिया आपको, डू हैव एनी आइडिया? सो इसका आइडिया नहीं, अच्छा इसका आइडिया नहीं है, चलो प्रियांशु को इसका आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस पे आपको एप्पल कार प्ले, कार लिंक, HVAC, एक्टिव वॉइस कमांड है, हाँ, हवल, हाय हवल, ओके। तो जैसे आप बोलते हो एमजी हेक्टर सुन लेती है, वैसे हाय हवल बोलोगे तो हवल आपको समझती है, आपकी बात को सुनेगी और सारे कमांड एक्सेस करेगी। यस सर। हाय हवल, कुड यू प्लीज ओपन द सनरूफ? सो अभी इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, ओके, तो अभी इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं ये फीचर नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। एक बड़ा सा सनरूफ मिलता है आपको, पीछे चला जाएगा। इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है? सो इसमें इंजन आपको मिलता है 2.2 लीटर टर्बो इंजन का। अच्छा, पेट्रोल डीजल? पेट्रोल में सर, फिलहाल ये वाला मॉडल जो है पेट्रोल में। अच्छा, ये वाला मॉडल से पेट्रोल में आता है, ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है। और आपको बता दूं ये कितना आउटपुट देता है, पावर आउटपुट, डू हैव एनी आइडिया? अच्छा, तो ये वही है जिस तरीके से आपको बहुत सारी इसुजू की MUX हो गया, एंडेवर हो गया, और फॉर्चूनर की इस रेंज की गाड़ी मिलता है। मतलब अगर ये इंडिया में आती है तो आपको बता दूं इनसे इसका सीधा मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला आपको डैशबोर्ड बहुत ही प्रीमियम फील देता है, आप बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में ऐसे देखते होंगे, तो यहाँ पर मिल गया। इसका मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ऑटोमेटिक मोड में, ऑटोमेटिक मोड में मतलब आपको ना स्टीयरिंग हैंडल करने की जरूरत है, ना आपको पेडल प्रेस करने की जरूरत है, गाड़ी अपने आप चलेगी। अच्छा, गाड़ी अपने आप सिर्फ उस जगह पे चलेगी जहाँ पे आपका ट्रैफिक है, आप सिर्फ 5-6 मीटर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ नहीं कर पाते, मतलब ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो आप इसे ऑटोमेटिक मोड में डाल दीजिए,
गाड़ी आगे वाली गाड़ी को देख के अपने आप रुकेगी भी, अपने आप चलेगी। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं जो कि खुद कमांड करती हैं। मतलब आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियों का कि अपने आप ऑटो पायलट की बात हो रही है कि अपने आप गाड़ियां चलेंगी, तो उसका कुछ हिस्सा इसमें कवर होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा यूटिलिटी स्पेसेस इसमें बहुत सारे दिए गए हैं और आप अपना सामान इतना रख सकते हैं जितना बहुत सारी कंपनियों में नहीं सोच सकते हैं। और इस साइज़ में ये मुझे गाड़ी बहुत अपीलिंग, हाँ ये कप होल्डर थोड़े अलग अंदाज वाले दिए गए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वुड फिनिश है। अब सर आप इस डायल को घुमा के इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब मडी लैंड मोड आ गया। ओके, तो आप जब डायल घुमाएंगे इसका तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप डायल घुमाते जाइए, सैंड मोड आ गया, मैं सारे मोड दिखाता हूँ। स्पोर्ट मोड हो गया, ऑटो मोड हो गया, और ये हो गया अपना स्नो फील्ड मोड हो गया, जहाँ पे स्नो है वहाँ के लिए हो गया। ये हो गया मडी लैंड मोड, सैंड मोड, इतने मोड हैं कि आपको याद करके रखने पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में इतने सारे मोड हैं। और ये मुझे लगता है कि जब चलाएंगे कभी तब पता चलेगा कि ये उस लायक है या नहीं। हाँ ठीक है, ये प्रेस करके यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है चार्जिंग के लिए। अभी एकदम नहीं पता है कि ये कब आने वाली है, कब लॉन्च होने वाली है, पर कुल मिलाकर ये गाड़ी बहुत ही अपीलिंग है। और इसके मिरर पे भी बहुत सारे SOS बटन दिया गया, मतलब इंटरनेट कार में जो फीचर्स दिए जाते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये वाला डायल बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, खास करके इसकी लाइटिंग बहुत मज़ेदार लग रही है। तो इंटीरियर में बैठकर आपको मज़ा आने वाला है। और पीछे जो सीटें हैं ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, जिस तरीके से दी गई हैं, जो नेपाल लेदर है ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के मुझे ये गाड़ी मज़ेदार लगी। थैंक्स प्रियांशु, आपने ये दिखाया। अब मैं बढ़ूँगा अगले प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ दिखाना है, क्योंकि जर्नी लंबी है। अगर शुरुआत करते हो तो आपको दूर तक जाना होता है। तो हम चलेंगे, देखते हैं कि इस कंपनी की तरफ से और कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आइए चलते हैं। मेरे साथ छवि राज हैं, और आपको बता दूं GWM, क्योंकि कोई गाड़ी लेकर आया था तो सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर जानना चाहते हैं वो कितने सेफ हैं, तो भाई क्या है इसमें आप बताना थोड़ा। हाँ बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के बारे में, इन्होंने सेफ्टी मेजर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इनका मेन फोकस जो था वो सेफ्टी मेजर्स पे था। तो इन्होंने सेफ्टी मेजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पोर्शन है कि अंदर जो ड्राइव कर रहा हो उसका सेफ्टी होना चाहिए, दूसरा ऑक्यूपेंट सेफ्टी है, व्हीकल सेफ्टी है, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है। ठीक है, अगर बात करें तो अगर इनकी सबसे पहले इनकी बॉडी इस पे दिया गया है, मैं चाहता हूँ एक बार इस पे दिखाया जाए। इस पे दिखाया जाए, इस पे अगर आप जूम करेंगे तो इसमें आप दिखाएंगे एनहांस फ्रंटल सेफ्टी के बारे में बताया। इसमें ये बताया कि इनका जो बॉडी पार्ट बना है वो अच्छी क्वालिटी की स्टील से बना है। थर्मल जो रेड कलर का है वो है हाई क्वालिटी स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, और जो ये पर्पल कलर का है वो है थर्मल स्टील, और जो ग्रीन कलर का है वो है एल्यूमिनियम अलॉय, और जो व्हाइट कलर का है वो ऑर्डिनरी स्टील। तो बेसिकली इनका ये बताया कि जब कॉलिशन होगा या फिर जब एक्सीडेंट होगा तो ये कैसे एब्जॉर्ब करेगा उसको, ताकि इसके बॉडी पार्ट को ना हो, और प्लस इनका जो अंदर बैठे वो भी कैसे सेफ रहेंगे। तो इन्होंने 7 एयरबैग्स दिए हैं इसमें। अच्छा, दे आर 7 एयरबैग्स, आई शो यू वन बाई वन। द फर्स्ट इज OPW कर्टन एयरबैग। ओके, जो साइड में उधर वहाँ पे आप जूम करेंगे तो वहाँ साइड में देखेंगे, वो पहला एयरबैग इनका कर्टन एयरबैग है। दूसरा है साइड एयरबैग, जो साइड से निकलेगा। यहाँ पे नीचे इन्होंने इलस्ट्रेट भी किया, उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी नीचे दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद तीसरा है इनफ्लेटेबल सीट बेल्ट। इस सीट बेल्ट से अगर आप इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगाते हैं या कुछ करते हैं तो ये सीट बेल्ट में सेफ्टी लगा हुआ है कि आपके शोल्डर्स वगैरह को ज़्यादा उसमें कवर कर लेगा। चौथा है एंटी सबमरीन रियर सीट बेल्ट। ये सीट के अंदर ऐसे फोम लगाया है इन्होंने, इन्होंने जो अंदर मटेरियल यूज़ किया है, अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं या कुछ करते हैं तो आपकी बॉडी जैसे पीछे जाएगी, आप पीछे जाएगी तो आप वो फोम आपको रजिस्ट कर लेगा, उसका जो थ्रस्ट होगा उसको रजिस्ट कर लेगा। फिर है प्री प्रोटेक्शन सीट बेल्ट। इसमें ये है कि सीट बेल्ट अगर आप जैसे आगे जा रहे हैं तो आपको वार्निंग मिलेगी कि आगे कॉलिशन होने वाला है, तो उस कॉलिशन में आप सीट बेल्ट आपने लगाया हुआ है फिर भी आपका सीट बेल्ट टाइट हो जाएगा, ताकि अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आपको आगे चोट ना लगे या कुछ हो नहीं। उसके बाद फार साइड एयरबैग है। ये एयरबैग दो आगे जो दो बैठे होते हैं उनके बीच से ऐसे निकल के आती है, उसमें दोनों का अगर सर टकराने वाला हो तो उसे सर टकराने से इसको रोका जा सकता है। उसके बाद ये सीट के अंदर भी, सीट के नीचे भी इन्होंने एक एयरबैग दिया, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने उसके अलावा एक और ये नी एयरबैग है मुंह पे और इसके नी के लिए सेफ्टी के लिए दिया है। तो बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी को इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दिया, और इससे इन्होंने कट ओपन करके ये दिखाया कि ये सेफ्टी कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप ये मत समझिए कि ये चाइनीज कंपनी है, तो इनसे बहुत सारा और ज्ञान मिल गया होगा। बहुत सारे आप टर्म्स नहीं समझते होंगे सेफ्टी वाले, तो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको बता दूँ ये दिखाना ज़रूरी होता है, अगर आपको फ्यूचर ब्राइट करना है, खास करके आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या लेके आ रहे हो। तो इस गाड़ी को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सेफ्टी से इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है।
तो आइए अब आपको दिखाता हूँ इनकी F7 और आपको बता दूँ मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, बहुत उम्मीद मत करिएगा, लेकिन जिस तरीके से इसका लुक है, जो अंदाज है, उसे लगता है कि इसका सीधा मुकाबला टाटा हैरियर से होगा और कलर भी वही इन्होंने चूज किया है। मतलब इंडिया में अगर इस तरीके का कलर आता है तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी गाड़ी। मैं आपको इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो ये आप देखेंगे जो ग्रिल मिल रहा है बहुत अच्छा है, यहाँ पर हवल दिया गया है और ये अलग अंदाज में एक पूरी लग्जरी देने की कोशिश की है और बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे कहीं से, अगर आप चाइनीज़ का नाम लोगे तो मुझे कहीं से चाइनीज़ नहीं नज़र आ रहा है। फॉग लैम्प का डिज़ाइन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे से इसके लिए जो हाउसिंग बनाई गई है वो बहुत प्यारी है और यहाँ से इस हेडलैम्प को ये LED प्रीमियम विजन देते हैं, मतलब बोलते हैं 100 मीटर तक आपको रोशनी दे सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जिसका कट किया गया, जो मतलब कट एज मिलेगा आपको, ये भी बहुत अच्छा है, ग्रिल से मैच करता है। अब इसका पूरा वॉक अराउंड करवाता हूँ आपको, ये पूरी गाड़ी आप देखते रहिए। व्हील का दिखा, व्हील की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो व्हील मिलेगा आपको, जो दिया गया, जो टायर दिए गए हैं, हालांकि ये अभी जो बेचते हैं बाहर ही गुडियर के टायर इसमें लगाए गए हैं जो कि 19 इंच के हैं और आप इसके एलॉय देखेंगे तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके के एलॉय बहुत कम देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो ये गाड़ी का जो अंदाज़ है, आप पूरा साइड प्रोफाइल में दिखाऊँ तो ये पूरा जो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही कारीगरी वाला है और मुझे लगता है चाइना ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। आप कुछ भी छुएंगे आपको मज़ा आएगा, एक फील आएगा। मैं इसके आगे सीट पर नहीं बैठ के सबसे पहले पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। ओके यहाँ से मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या होने वाली हो, कभी इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कुछ आइडिया नहीं है, पर इसका जो फील है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत ही प्रीमियमनेस देता है। आपको जगह की कमी नहीं मिलेगी और जितने भी पिलर इसके, आप चाहे ए पिलर की बात करें, चाहे बी पिलर की बात करें, चाहे सी पिलर की, आपको एक पूरा रूमी स्पेस दे जाता है। स्क्रीन भी, विंडो, जो विंडो दिया गया है ये भी बहुत बड़ा है। तो इसमें बैठ के मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है और ये मैं ही फील कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर AC वेंट वगैरह भी दिए गए हैं और बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो मतलब लंबी दूरी की यात्राओं पर जानी, अगर ये कंपनी यहाँ पर आ गई तो मुझे पता है कि इसमें ये जादू कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली सीट, आइए थोड़ा सा ये है इसकी अगली सीट। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मुझे लगा यहाँ पे मुझे स्टीयरिंग देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे तो ये पैसेंजर बैठेगा। मैं दुबई गया था तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी स्टीयरिंग, कई बार अपने ये स्टीयरिंग तलाशता था, ढूंढता था कि कैसे चलाऊंगा। तो ये नहीं इसकी स्टीयरिंग व्हील, और आपको बता दूं इसका जो ये दिया गया है पूरा, यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटी स्पेस मिलेगी, मतलब पूरा का पूरा ध्यान रखा गया। फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन चार्ज हो जाएगा, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और कितने अच्छे तरीके का इस पे दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन है, मुझे 100% श्योर है टच स्क्रीन है और आपको बहुत सारे कंट्रोल इस पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छे से हाँ ग्रिप करता है हाथ में और इसका डैशबोर्ड छूने में मज़ेदार लग रहा है। और ये जो आपको स्टिचेस मिलेंगे ये बहुत ही प्रीमियम है, AC वेंट के अंदाज़ को देखकर लगता है कि आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। ये देखिए शिफ्टर इसका किस तरीके से दिया गया है, ये शिफ्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी जमेगा। इसमें बहुत सारे मोड भी दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चला रहे हैं तो मैं इसे ड्राइव स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इंजन स्पेसिफिकेशन है नहीं मेरे पास, तो उसके बारे में बताऊँगा ना, यूटिलिटी स्पेसिस मैं दिखा सकता हूँ। आइए अब आपको इसका दिखा देता हूँ रियर डिज़ाइन। रियर डिज़ाइन की बात करने से पहले बता दूँ ये 5 सीटर है, मतलब 7 सीटर नहीं है। जहाँ से कला शुरू होती है वहाँ पर नक्काशी बहुत मायने रखती है और आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो सब कुछ पूरी तरीके से। पूरा यूनिट LED है और मुझे पक्का पता है जब ये जलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ब्रेक करेंगे और बहुत मज़ेदार लगेगा। यहाँ पे हैवेल बहुत अच्छे से प्रीमियम अंदाज में क्रोम गार्निश के साथ में दिया गया है, ये भी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। और ये रहा इसका बूट स्पेस, बूट स्पेस बहुत बड़ा है और आप इसमें अपना सारा सामान रख के आराम से निकल सकते हैं वीकेंड की यात्रा के लिए। पर अभी करिए इंतज़ार, मुझे नहीं पता है कब लॉन्च होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ डिसाइड करना है कंपनी को और यहाँ से मिले रिस्पांस के आधार पर कंपनी डिसाइड करेगी उसे यहाँ पे आना है या नहीं। लेकिन हेक्टर आ गई है, मतलब MG की हेक्टर आई है, तो मानकर चलिए ये कंपनी भी अपनी संभावनाएं इसमें तलाश चुकी है और बहुत ही जल्द दस्तक देने वाली है भारत में। GWM पे आपको बहुत कुछ खास नज़र आएगा और बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जैसे इसकी जो वास्तविक कारें हैं वो भी कॉन्सेप्ट कार जैसी नज़र आती हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन बहुत ही फाइन है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने एक ही वीडियो ही बनाया है यहाँ पर क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन जो बनाया है इस कार कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी था, क्योंकि चाइना एक त्रासदी से गुजर रहा है कोरोना वायरस के लिए। चाइना के लिए बड़ी खबर है ये कि उसकी एक कंपनी भारत में अपनी नींव रखने जा रही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अभी ऑटो एक्सपो से और सारी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिएगा।